एक लड़की भीगी भागी सी। क्या बात है ललिता, आज इंग्लिश गाने छोड़ के हमारे जमाने के गाने गा रहे हो तुम। हाँ, मुझे हमारे जमाने की जरा याद आई, कितना अच्छा था वो समय। बात तो सही है, हमारे जमाने का वो गोल्डन इरा कुछ अलग ही था। हमारी शादी कितनी अच्छी हुई। और शादी में तुम टल्ली हो गई। बाऊ, ए बाऊ। क्या वंशमा, ये क्या है? मुझे बहुत अच्छी लगती है, जरा उधर भी देख लिया कर। अगो भाई, सॉरी सॉरी जी। जरा सा मैनर्स नाम का चीज नहीं है इसमें, ये क्या है? कोई बात नहीं सुन भाई, अगर आज ललिता के बाल अच्छे होते तो वो भी उड़ाती, पर क्या करे, बुढ़ापा ऐसी चीज है, सिर पे बचे इनमिन तीन बाल, क्या उड़ाएगी वो। मैं नहीं हूँ इसके जैसी मैनर्स लेस। रहने दो रहने दो, शादी के बाद तुमने क्या क्या किया है ना सब पता है मुझे, बहुत कुछ किया है इसने। अरे क्या, हर बार हमारे जमाने, मत कीजिए मेरी बेइज्जती। क्या करती थी अपने बालों के साथ ये? तुझे बड़ी आग है सुनने की। नहीं ना, प्लीज मत बताइए। ललिता ये अच्छा है, खुद श्रेया को हमारे जमाने की बातें बताती हो, मुझे भी जरा मौका दो सुन भाई को हमारे जमाने की बातें बताने का। बताइए ना सुर जी, क्या करती थी ये? तो ये क्या करती थी, नदी के ऊपर जाती थी बाल धोने, जैसे ही बाल धोके हुए पूरे खुले बाल छोड़ती थी और नदी से घर तक पूरे रास्ते पे खुले बालों में भागती थी। मैं तो सिर्फ घर में करती हूँ, आप तो पूरे गांव में करती थी। मुझे आज भी वो ललिता दिखती है, अरे गांव वालों ने इसका नाम रखा था चुड़ैल। उस जमाने में हेयर ड्रायर होता नहीं था, तो जो रास्ते पे हम भागते थे और ऊपर से ऐसी हवा चलती थी उससे बाल सूख जाते थे जल्दी। वाह ललिता, क्या समझाती हो तुम आगे वाले को। इसमें समझाने का क्या है, नेचुरल है ये, ऊपर से मेरे बाल काफी घने थे तो सूखने के लिए टाइम लगता था, तो भागती थी मैं ऐसे। ए डेबरी, ज्यादा दांत मत निकाल, चुपचाप चाय कर मेरे लिए। लाती हूँ। मेरा लाल उठ गया? हाँ उठ गया, अभी नहा रहे हैं। क्या, वो अभी उठा है? ये तो कुछ नहीं था सुरजी, आप कल मंदिर गए थे, आपको पता नहीं वो 10 बजे उठ गए कल। हाँ, उनके ऑफिस को 2-3 दिन छुट्टी थी ना, तो 10-10-10 बजे का उनका चल रहा था। नहीं रहा ना तेरे पेट में, उसने मना किया था ना बताने के लिए, एक तो उसको 3 ही छुट्टी मिली है, कम से कम वो तो एंजॉय करने दीजिए। ठीक है सुमा, मैं एकदम साफ और शुद्ध हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं रहता। बड़ी दूध की धुली है तू। और तुम किसकी धुली हो? आगो भाई, ससुर जी, ससुर अभी अभी तक नहीं नहाई। क्या ललिता, अब तक तुम नहाई नहीं? हाँ थोड़ा सा लेट हुआ मुझे उठने को आज। हाँ अभी देखिए 9:30 बज रहे, इतना लेट होता है क्या? अच्छा लगता है, बच्चे इनसे पहले नहाते हैं पर ये दोनों नहाते नहीं जल्दी। क्या क्या, तुम माँ बेटे ने क्या सोच लिया है क्या नहाने का? नहीं क्या करूँ, मैं 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ पर 5:45 बजे उठ जाती हूँ। अरे वाह, 5:45 बजे उठ गई थी, फिर क्या हुआ? पर मैं ये सोचती हूँ, अरे 6 बजने के लिए तो 15 मिनट बाकी है, फिर सो जाती हूँ और फिर जब उठती हूँ तो 2-3 घंटे हो चुके होते। अरे कितना झूठ बोलोगी, कुछ नहीं उठी थी तुम, कुछ भी बोलती हो। अभी मैं इनके सामने कुछ बोल नहीं सकती, छोटा मुंह बड़ी बात, आज आप घर पे हैं इसलिए आपको ये सब पता चल रहा है। और ना ए ए बहू, तू एक काम कर ना, पेट्रोल डीजल तेल सब कुछ ला और लगा दे आग। बस यही एक काम तो आता है तुझे, आग लगाना। देखो ससुर जी कैसे बोलती है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती। सुन भाई उसकी बातें छोड़ दो, वो कुछ भी बोलेगी, तुम मुझे बताओ क्या बात है। मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। मुर्गी रे मुर्गी, कुकु कुकु। मुर्गियाँ भी उठती है 4:30 बजे। ए ललिता जरा चुप बैठो।
बताओ सुन भाई। तो 7 बजे तक सब खाना बन जाता है, पर ये 9 बजे उठती है, फिर मुझे बोलती है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ये बना के दो, वो बना के दो। क्या तुम कहीं की महारानी हो क्या? जो मांगा वो चाहिए। और तो और चाय पीने की भी नखरे। मैं चाय करती हूँ तो बोलती है मुझे आज कॉफी पीनी है, मैं कॉफी करती हूँ मुझे बोलती है चाय पीना है। बहुत परेशान करती है ये मुझे, और भी बहुत कुछ करती है, पर अभी जाने दो, माँ समान है, मैं कुछ बुरा नहीं मानती। वारे मेरी गोपी बहू, क्या झूठ बोलती है तू। अगर मैं तुझे इतनी माँ समान लगती हूँ तो ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। सब भांडा फोड़ दिया मेरा और बोलती है माँ समान है, ये है वो है। कुछ नहीं, माँ बेटे में मस्ती चढ़ गई है। अगर चुपचाप आश्रम चली जाती तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते। लीजिए लीजिए, अपनी बहू की साइड लीजिए, हर बार मुझे सब टॉर्चर करते हो, आश्रम में डालने की धमकी देते हो। ससमा ससमा, सुन भाई जाने दो उसको, बहुत नौटंकीबाज है वो। बेटा क्या हुआ माँ? मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे अरे हुआ क्या पर आपको? मुझे तो फिर से गांव छोड़ दे, मुझे इन लोगों के बीच नहीं रहना। माँ आप मुझे बताइए ना क्या हुआ, अगर आप मुझे बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। वो तेरी लव बर्ड और ये दोनों मिलके मुझे टॉर्चर करते। ससमा सॉरी। आ गई देख जख्मों पे नमक छिड़कने। शर्मिला मैंने तुमको कितनी बार बोला है माँ को ऐसा टॉर्चर मत किया करो तुम और पापा मिलके। कितनी मासूम है मेरी माँ, तुम उसका फायदा उठाती हो। और क्या हुआ अगर माँ ने कुछ बोला तो चुगली लगाने की क्या जरूरत है पापा को? सब अगर माँ कुछ बोलती है तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? देखिए ससुर जी ने पूछा इसलिए मैंने बताया, आज तक मैं कुछ नहीं बताती, सब पेट में रखती हूँ। क्या? आज तक मैं कुछ नहीं बोली, सब पेट में रखती हूँ, पर जब सामने से कोई पूछता है तो दिल मेरा छलक जाता है। सिर्फ ससुर जी के आगे तेरा दिल छलकता है? देख देख कितनी नौटंकीबाज है ये, कहां से मिली तुझे? ड्रामेबाज कहीं की बेटा, वो कुछ नहीं, आज फैसला हो ही जाना चाहिए। ये तुझे मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तू इनको कुछ बोलेगा। मैं बोलूंगा माँ। चल मेरे साथ, तुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा आज। ठीक है माँ। आ मेरे शेर। शेर ये देखिए शेर माँ का शेर पुत्र। डर गया मैं तो, इतना बड़ा शेर, क्या हुआ बोलिए। पापा मैं आपसे। बेटा। पापा। पापा के आगे भी कुछ होता है वो बोल। मैं ये बोलना चाहता हूँ। बोल बोल जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। कि हम सब प्यार से रहते हैं ना, लड़ने की क्या जरूरत है। हाँ तो रहते हैं ना प्यार से, किसने मना किया है।